औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवोगैड्रोज़ लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों दो लॉज को डिस्कस किया था फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से, और आज हम एवोगैड्रोज और ग्राहम लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। तो एवोगैड्रो लॉ में आपने एक इक्वेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, और वो इक्वेशन आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ी थी। उसमें आपने कहा था कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्क्वायर। ये इक्वेशन आपके सामने इधर लिखी हुई है। अब बच्चों फ़र्ज़ करें आपके पास दो गैसेस हैं, एक गैस को गैस वन का नाम दे लें और दूसरी को गैस टू का नाम दे लें। उसके अंदर जो मास होगा एम, एक को M1 का नाम दे लें, दूसरे को M2 का नाम दे दें। इसी तरह उसमें N भी है, जिसको आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं, उनमें से एक को N1 कह लें, दूसरे को N2 कह लें। इसी तरह C भी था, C बार स्केयर, जिसको रूट मीन स्केयर वेलोसिटी भी कहा जाता था, उसको एक को C1 का नाम दे दें, दूसरे को C2 का। तो उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होंगे। तो बात करने का सारा मकसद ये था कि आपके पास दो गैसेस हैं, उन गैसेस के दौरान आपने प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और इक्वेशन अप्लाई करनी है, काइनेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखी हुई है पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर होता है, लेकिन हमने कहा हमारे पास दो गैसेज हैं, तो एक को 1 का नाम दे लें, दूसरी को 2 का नाम दे लें। ये दोनों इक्वेशन सेम है, लेकिन उनमें एक को 1 कहा, दूसरी को 2 कहा। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, इनको इक्वलाइज कर लो, तो पी वी सेम है, दोनों कट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा 1/3 M1 N1 C बार स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये दोनों ऊपर वाली ही इक्वेशन है, ये वाली, इनकी राइट हैंड साइड लिख ली है। अब इसमें से भी एक चीज़ कॉमन है, जिस तरह हमने यहाँ से पी वी कैंसिल किया था, यहाँ से हमारे पास 1/3 और यहाँ से 1/3, ये भी सेम था, मैच करता था, ये आपस में कट हो गए, ख़त्म हो गए। पीछे क्या बचा आपके पास, M1 N1 C1 C बार 1 स्केयर, और उसके बाद इज इक्वल टू M2 N2 C बार 2 स्केयर। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब बच्चों अगर तो टेम्परेचर को दोनों गैसेस के लिए कांस्टेंट रखा जाए, या ऐसे कह लें कि टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है, तो फिर जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होगी वो सेम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोगों को आता है कि KE, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² ऐसी बात है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, 1/2 mv². अब बच्चों यहाँ आपने v की जगह c ली है, इसका मतलब भी क्या है, वेलोसिटी, उधर भी v क्या था, वेलोसिटी थी। तो आप यहाँ v की जगह क्या यूज़ करेंगे, c यूज़ करेंगे। इसी तरह जिस तरह आपने ऊपर एक को 1 का नाम दिया था, दूसरे को 2 का, इसी तरह इसको भी एक को 1 का नाम दे लें, दूसरे को 2 का नाम दे लें। फिर दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, दोनों को इक्वलाइज करना है, दोनों को एक दूसरे के बराबर रखना है, दोनों को कंपेयर कर लो। तो जब कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में जो चीज़ मैच है या सेम हो रहा है, यानी कि 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, दोनों को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। आपके पास पीछे क्या बचेगा, M1 C1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 C2 स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है उसके ऊपर बार, यानी कि आपके पास फिर ये एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब बच्चों आपने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 19 है और इक्वेशन नंबर 20 है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड इक्वेशन 19/20, यानी दोनों को इस तरह डिवाइड करें कि ये जो 19 वाली इसको ऊपर रहने दें
और ये जो 20 है इसको नीचे। अब इस दोनों में से देखें कौन सी चीज़ कॉमन है, इसको आप कट कर दें। इस तरह ये एम वन है, इसमें भी एम वन है, इसमें सी वन का स्केयर है, इसमें भी सी वन का स्केयर है। दूसरी साइड पर आ जाए, एम टू एम टू, सी टू सी टू। अब ऊपर में क्या बचा, देखो एन बचा है, एन वन इज इक्वल टू, साथ क्या बचा है एन टू। ये दो चीज़ें बची हैं आपके पास, एक साइड पे एन दूसरी साइड पे भी एन बचे, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह लें। अब ये दो दो बचे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 21 कह लें या इसको फाइनल इक्वेशन का नाम दे दें, एन वन इज इक्वल टू एन टू। अब क्या कहता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल हों, अगर सभी गैसेस के जो वॉल्यूम हैं वो एक जैसे हों, इक्वल हों, कब, जब उसका टेम्परेचर और उसके प्रेशर की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो गैस कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करेगा, विच आर एवोगैड्रो। वहाँ समझ आ रही है बच्चों, कि अगर गैस डिफरेंट आपके पास गैसेज हों, अगर उनका वॉल्यूम इक्वल हो तो उनका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम हो, तो कहता है अगर ये कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई की जाए तो उस वक्त जो गैस के जो अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को आप किससे डिनोट करते थे, एन ए से। तो बच्चों ये था एवोगैड्रोज लॉ। नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसमें भी आपने वही इक्वेशन थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है जो आपने पीछे काइनेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर, ये इक्वेशन पढ़ी। अब बच्चों आपने ऊपर एक बात कही है कि जो एन है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, या नंबर ऑफ मोल कह लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कह लें। अब ये जो एन है, ऊपर आपने ये भी बात की है कि अगर तमाम गैसेस के जो वॉल्यूम है वो इक्वल हों, उनके ऊपर जो कंडीशन अप्लाई की हुई है टेम्परेचर और प्रेशर की वो भी सेम हो या वो भी कांस्टेंट हों, तो जो गैस होगी वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर कंसिस्ट होगी, एवोगैड्रो के ऊपर, यानी ऐसे कह लें कि उस गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो नंबर होंगे। और अब एवोगैड्रो को किससे डिनोट करते थे, एन ए से। किससे डिनोट करते थे बच्चों, एन ए से। अब हम इस एन की जगह एन ए लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये जो हमने इसमें एन लिखा है, ये अगर हम एन ए में कन्वर्ट कर दें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर बात बच्चों, कुछ नहीं किया इसमें, जो एन था उसको हमने रिप्लेस किया है एन ए से। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे वो किसके बराबर थे, एवोगैड्रो के, और एवोगैड्रो का सिंबल क्या था, एन ए। उसके बाद आगे आ जाएं, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन। अब बच्चों जो आपने पीछे लिखा है, जो एम एन ए, दोबारा पीछे हैं, एम एन ए, ये वाला एम एन ए, देखिए इक्वेशन में नज़र आ रहा है एम एन ए। अब ये बच्चों जो एम एन ए है ये एक बड़े एम यानी कि कैपिटल एम के बराबर है, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। यानी कि जो एन ए था वो आगे फिर किसके बराबर है, एक कैपिटल एम के। ये वाली हम इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, इसमें जो पीछे हमने एम एन ए पढ़ा था वो किसके बराबर है, एक एम के, तो हम उसको रिप्लेस करके एम लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो अब आपने यहाँ से सी बार स्केयर की वैल्यू निकालनी है, यानी आपके पास जब आपने एम रखा था तो आपके पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी बार स्केयर। अब आपसे कहा जाए कि यहाँ से सी बार स्केयर की वैल्यू निकालो, इधर है पी वी, तो आप क्या करेंगे, ये जो थ्री है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 PV। क्लियर। अब ये जो एम है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो किसके बराबर आप बराबर आ जाएगा जी, सी बार स्केयर के। तो सी बार स्केयर फिर किसके बराबर आ गया, 3 PV ओवर एम के। तो अब बच्चों हमने करना क्या है कि दोनों साइड पे हमने स्केयर रूट ले लेना है,
क्या करना, हमने स्केयर रूट लेना है। पहले आपके पास ये वाली वैल्यू आई है, अब इसका आपने क्या ले लेना है, स्केयर रूट। तो ये स्केयर रूट ले लिया, ये देखें आपके पास स्केयर रूट आ गया, तो किसके बराबर होगी, स्केयर रूट सी बार स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 3 PV ओवर एम। अब गौर से बात समझने वाली ये है, आपकी बुक में ये मेंशन नहीं किया, एक साइड पे कर लीजिएगा कि जो आपके पास वैल्यू आई है, इक्वेशन आई है 3 PV ओवर एम स्केयर रूट। अब इसको आगे करना क्या है, तो जो आपके पास आगे वाली इक्वेशन है ये कैसे आएगी, अब आपने इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को वी से डिवाइड करना है। साइड पे लिख लें कि हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो किस तरह डिवाइड करेंगे, जिस तरह ये मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करने लगा हूँ, 3 PV ओवर वी, ओवर क्या था, एम ओवर वी, और इसका क्या था, स्क्वायर रूट। अब देखें ये वी इस वी से कैंसिल हो गया, और ये जो एम ओवर वी वी है ये बटे का बटा बट जो उलट जाता है, ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 PV ओवर एम का क्या है, स्क्वायर रूट। ये बच्चों क्लियर, कोई मसला तो नहीं। दोबारा से देखें, जो 3 PV ओवर एम अंडर रूट था या स्क्वायर रूट था, इसको हमने क्या किया है कि हमने राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन को वी के साथ डिवाइड किया है। ऊपर वाले वी के साथ डिवाइड करेंगे तो वी ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाले एम के साथ डिवाइड करेंगे तो दूसरी बार दूसरे स्टेप में वो जो वी नीचे था वो उलट कर वी ऊपर आ जाएगा। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, अंडर स्केयर रूट ऑफ सी बार स्केयर इज इक्वल टू 3 PV ओवर एम ओवर वी। अब बच्चों आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अब आप इस एम ओवर वी की जगह डी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेंसिटी का फार्मूला है कि डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, यानी कि डी किसके बराबर होता है, एम ओवर वी के। तो हम एम ओवर वी की जगह डी लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि ये जो सी बार स्केयर है या स्केयर रूट ऑफ सी बार स्केयर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इफ्यूजन के। कहने का मतलब ये है कि ये जो सी बार स्केयर है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये किसके बराबर है, ये बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन के बराबर होता है। तो हम फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं, स्केयर रूट ऑफ सी बार स्केयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के। क्लियर बात बच्चों। अब हमने जो इक्वेशन ऊपर लिखी है ये वाली, इसकी जगह हमने जो सी बार स्केयर लिखा था, अब सी बार स्केयर की जगह हम अकेला क्या लिखेंगे, आर। जब आर लिखेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर बात। अब आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्केयर रूट ऑफ 3 PV ओवर डी। अब हमने क्या करना है कि आप लोगों ने एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इस इक्वेशन को लाना है, फिर आपने देखना है कि जो आर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस इक्वेशन को आपने एट कांस्टेंट प्रेशर पे लाना है, इसका मतलब क्या है कि जो इसमें पी इस्तेमाल हो रहा है ये सेम है या कांस्टेंट है, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन है वो क्या बनेगी। तो बच्चों जब पी कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो तीन है तो इसकी वैल्यू भी तो कांस्टेंट ही है ना, ये यही रहनी है, वो चेंज तो नहीं ना होनी। तो हम फिर इन दोनों को ना लिखें एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फिर हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, फिर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर डी। अब इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है कि जो आर है वो स्क्वायर रूट ऑफ डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि आर ज़्यादा करने से डी कम हो जाएगा या आर कम करने से डी ज़्यादा, दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो आपने बच्चों ग्राहम्स लॉ में पढ़ा ही यही था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो स्केयर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही क्या था, ग्राहम्स लॉ। तो आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्केयर रूट ऑफ 1 ओवर डी,
वन ओवर डी के डायरेक्टली है, लेकिन अकेले डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह बच्चों आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।